हाँ देखो, कल हम लोगों ने पढ़े थे मतलब बैकग्राउंड ऑफ स्ट्रगल 1857 में, कैसे धीरे धीरे जो है ये लोग ब्रिटिशर्स लोग अपना जो है पूरा कब्जा जो है वो फैला रहे हैं। ठीक है, मतलब समझ में आ रहा है कि कैसे ये लोग जो है पूरा इंडिया के ऊपर जो है मतलब अपना पूरा कब्जा जमा रहे थे, और कैसे कैसे फिर मतलब जो फार्मर्स है, जो जमींदार है, या जो राजा महाराजा के जो भी मतलब रिश्तेदार है, ठीक है, तो उनके मन में कैसे कैसे मतलब इनकी फिर जो है गंदी इमेज बनती जा रही थी। क्यों? क्योंकि ये लोग डिवाइड करवाते थे, लड़वाते थे, फिर उसके बाद जो है उसको कैप्चर कर लेते थे और अपनी जो पॉलिसीज है वो वहां पर लागू करते थे। तो वैसे हुआ वहां पंजाब में। ठीक है, पंजाब को इन लोगों ने कैप्चर किया 1849। ठीक है, और वहां पर फिर 1849 में पंजाब में कैप्चर करने के बाद वहां पर क्या करने लगी ईस्ट इंडिया कंपनी की, अपनी जो पॉलिसीज है ठीक है वो लागू करना चालू कर दी। ठीक है, तो यहाँ पर एक गुरु थे, गुरु राम सिंह। ठीक है, पंजाबियों में आपको पता है कि गुरु जो है वो गुरु वाली परंपरा चलती थी। ठीक है, तो यहाँ पर एक गुरु थे ऐसे राम सिंह। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि अपने जितने भी डिसाइपल्स थे, मतलब अपने इनके जितने भी मतलब चेले जो थे, ठीक है, उनको इन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे मोटिवेट करना चालू किया। ठीक है, आज उन्होंने किसके किसके लिए कि धर्म को बचाने के लिए। ठीक है, धर्म को बचाने के लिए इन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे अपने जो भी डिसाइपल्स थे उनको मोटिवेट करना चालू कर दिया। और इनके डिसाइपल्स को क्या बोला जाता था, तो नामधारी सिख। ठीक है, ऐसे में तो ये याद रखना ही ऑब्जेक्टिव के पर्पस से इंपॉर्टेंट है, नामधारी सिख कौन थे, तो गुरु राम सिंह के जो भी डिसाइपल्स थे उनको नामधारी सिख बोला जाता था। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा कि 13 अप्रैल 1857 को जो है इन लोगों ने जो है देश को बचाने के लिए और देश में जो भी धार्मिक चीजें हैं उसको बचाने के लिए इन लोगों ने क्या किया कि एक आवाज उठाना जो है वो चालू कर दिया था। ठीक है, और ये जो है ये एक साउंड जो क्रिएट करवाते थे जिसको बोला जाता था कुक। ठीक है, कुक मतलब जो शोर या बाजे के साथ जो मतलब जो साउंड करना। ठीक है, एक तरीके से मतलब जैसे क्या बोल सकते हैं हम, आंदोलन करना। ठीक है, तो वो कहलाता था, वो साउंड क्या कहलाता था, कुक। और ये साउंड निकालने के कारण इनको जो है वो क्या बोला गया, फिर इनको नाम दिया गया कुका। ठीक है, कुका ये मैंने देखा हुआ कुका। ठीक है, ये जो कुका है इनको नाम दिया गया। ठीक है, अब उसके बाद ये इन लोगों ने ऐसे स्टेप्स क्यों लिए, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने क्या किए थे कि पंजाब की बहुत सारी जगह पर क्या किए थे, स्लॉटर हाउस खोल दिए थे। स्लॉटर हाउस मतलब क्या होता है, कसाई खाना एक तरीके से, जहां पर जो है जानवरों की हत्या की जाती है। ठीक है, तो ये जो है मतलब इनके इसमें भी जो है एक अधर्म का रास्ता था एक तरीके से, तो इसके खिलाफ इन लोगों ने क्या किया कि आवाज उठाना चालू कर दिया। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि जो कुका है उन लोगों ने एक जो स्लॉटर हाउस था मालेर कोटला, ये पंजाब में एक जगह है मालेर कोटला करके, तो वहां पर कुका जो थे उन लोगों ने क्या कर दिया, अटैक करना चालू कर दिया। ठीक है, 15 फरवरी 1872 को यहाँ पर मालेर कोटला में अटैक किया। इसके बाद धीरे धीरे जो है कुका लोग भी क्या करने लगे थे, धीरे धीरे अपना जो है मतलब अटैक जो है वो बढ़ाते जा रहे थे, मतलब जहां जहां स्लॉटर हाउस था वहां पर अटैक कर रहे थे, उसको बंद करवा रहे थे। तो इस चक्कर में क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स लोग फिर इनके ऊपर भड़क गए, क्योंकि अब ये जो है मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा था, जैसे जैसे ये लोग अगर बंद करवाते जाएंगे तो ब्रिटिशर्स लोगों का क्या होगा, वहां से सब बंद होते जाएगा सिस्टम। तो ब्रिटिशर्स लोगों ने क्या किया, इनको जो है दबाना था। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स लोगों ने क्या किया कि जो कुकाज लोग थे उनमें से जो 49 कुकाज थे उनको इन लोगों ने क्या किया कि अरेस्ट कर दिया। ठीक है, और अरेस्ट करने के बाद वहीं पर जो है धीरे मतलब तोप से जो है तुरंत उड़ा दिया। और ये जो कुकाज थे वो इतने मतलब ब्रेव थे कि इन लोगों ने जो है मतलब प्राउडली जो है वो तोप से जो है मतलब मार खाने की मतलब सोच ली। ठीक है, तोप से उड़ने की वो रुक गई। फिर जो पंजाब, तो ये इतनी सारी चीजें हुई। ठीक है, तो इसके कारण यहाँ के जो लोग हैं यहाँ के पंजाब के, उनके अंदर भी क्या हुआ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है एक हीन भावना जो है वो जागृत हो गई थी। ठीक है, तो ये इतना जो है आज के इसमें। तो आगे में समझो मतलब कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा आज, तो सबसे पहले पंजाब को कैप्चर किया ब्रिटिशर्स ने 1849 में। ठीक है, फिर उसके बाद धीरे धीरे वहां पर अपनी जितनी भी पॉलिसीज की, हड़प नीति हो गया, सब्सिडियरी अलायंस हो गया, डॉक्ट्रिन ऑफ टैक्स पॉलिसी हो गया, तो ये सारी चीजें जो है उन लोगों ने वहां अप्लाई करना चालू कर दी। फिर उसके बाद धीरे धीरे वहां पर एक गुरु थे गुरु राम सिंह। ठीक है, जो कि क्या कर रहे थे, लोगों को धर्म का रास्ता दिखाते थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि अपने जितने भी डिसिपल्स थे, डिसाइपल्स थे जो भी मतलब उनके जो भी जिन्होंने मतलब उसके जो भी छात्र छात्राएं बोल सकते हैं उनको। ठीक है, जो भी डिसाइपल्स थे उन लोगों को इन लोगों ने क्या किया कि गुरु राम सिंह ने जो है रास्ता दिखाना चालू किया कि हमको जो है धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए। ठीक है, जो ब्रिटिशर्स लोग हैं वो एक तरीके से अन्याय करते हैं, ठीक है, तुमको आवाज उठानी चाहिए। तो फिर उसके बाद जो गुरु राम सिंह उनके जो डिसाइपल्स थे उन लोगों ने क्या किया कि आवाज उठाना चालू किया। ठीक है, उनके जो डिसाइपल्स थे उनको क्या बोला जाता था, कुका। ठीक है, आया सुनने, या नामधारी सिख भी बोला जाता था। ठीक है, तो नामधारी सिख और ये जो कुका लोग हैं इन लोगों ने क्या क्या किया, धीरे धीरे जो है आवाज उठाना चालू किया। तो सबसे पहले इनका जो अटैक था वो कहां पर था, स्लॉटर हाउस, बुचड़खाने। ठीक है, बुचड़खाना या उसको क्या बोलते हैं कि जहां पर जानवर की हत्या की जाती थी। ठीक है, तो वहां पर इन लोगों ने अटैक किया। फिर उसके बाद जो है वही है, ब्रिटिशर्स लोगों ने फिर इनको क्या किया, ब्रिटिशर्स लोग फिर वही नाराज हो गए थे इन लोगों से, क्योंकि अब उनके खिलाफ जा रहे थे, ब्रिटिशर्स के एक तरीके से खिलाफ जा रहे थे। ब्रिटिशर्स लोगों ने फिर इनको क्या किया,
एंडर में जो है वो करना चाहता है, ठीक है। तो उसके लिए जो है लोगों ने क्या किया कि 49 कुकास को जो अरेस्ट किया और उनके ऊपर मतलब गोलियां मतलब तोप जो है वो डाल दी, ठीक है। तोप के गोले जो है वो छोड़ने लगे, तो जो कुकास जो है उन्होंने भी मतलब बहुत ही हिम्मत के साथ जो है उसको उसका सामना किया, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही।